गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो एचसीएल टेक का 1400 का कॉल ऑप्शन, अबाउ 96 ले लो, 100 टारगेट, 110 एंड 125, ऐसे थ्री टारगेट्स के लिए हम लोग देखेंगे। या एक्टिव हो गया अबाउ 96 एचसीएल टेक, 98, 100 का पहला टारगेट है, 100, 110 एंड 125, एंड यू कैन प्लेस द 92 का स्टॉप लॉस। मैं शायद 100 पे निकल जाऊँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एसीसी का पुट भी लिया, मैंने एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट रेट जस्ट आपसे बातें करते करते। तो 92 का स्टॉप, एक्चुअल स्टॉप लॉस तो ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे 92 का है बट उतना नहीं ले सकता, तो 92 ठीक है। यस, एसीसी का ऑर्डर कैंसिल करो, अभी एसीसी चला गया, वो रिजेक्शन आ गया, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड आप ले सकते थे एसीसी का, यहाँ से मैंने लिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 4 पॉइंट बुक किए, 1500 बुक किया मैंने, जल्दी निकल गया क्योंकि वॉल्यूम नहीं है फुट साइड में। एक्सेल टेक है अभी, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ये एनालिसिस कल करके रखा था, आज नहीं, और आज जस्ट स्कैनर में भी आया क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि, और आज जी बिजनेस पे भी ये था एक्सेल टेक का जिक्र। सेफ निकल जाओ, 95 पे निकल जाओ, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके सेफ ट्रेडर निकल जाओ क्योंकि ये थोड़ा रिजेक्शन टाइप आ रहा है। या आई एग्जिटेड माई पर्सनल पोजिशन, मैंने 93 पॉइंट समथिंग पे निकाल दिया। डोंट वेट फॉर द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस गया रहेगा फिर। स्टॉक्स में कुछ ज्यादा दम नहीं लग रहा है, ये एक्सेल टेक ही था, एक्चुअल स्टॉप लॉस ये है बट वो 82 है, तो उतना हम नहीं ले सकते, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। अगर ये फिर से जाता है तो हम लोग देखेंगे बात। वी जस्ट फोकस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑल्सो, अगर कोई आया है एक्सेल टेक बोला ना, मैंने स्कैनर में भी आया था और कल भी मैंने एनालिसिस किया था एक्सेल टेक। आज सारे आईटी स्टॉक्स जो कल थोड़ा कम पार्टिसिपेट किए थे वो आज ज्यादा दे रहे। अतुल का लॉट साइज, मतलब वो ऑप्शन में उतना वॉल्यूम नहीं देता, तो निगलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर आईटी में मुझे एचसीएल टेक ही अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं एक बार टीसीएस को भी देख लेते हैं। सबने सेम टाइप में ब्रेकआउट दिया और डाउन। बैंक निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जैसे भी इसके नीचे निकलेगा तो एक बार हम लोग देखेंगे, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है वो भी देखते हैं। इधर भी पुट ले सकते हैं इसके जैसे आता है तो ये, बट मैं मेजोरिटी पुट इसके नीचे ही लूंगा, 52,200 के नीचे जा रहा है। इन बिटवीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, अगर ये हाई जाता है तो एक बार कॉल देख सकते हैं, बट उसके बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना। पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है, वो अगर आपको क्लियर है ना तो ही आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भी आप चाहिए तो 52,500 का पुट लगा के रखो, 52,500 का पुट। तो भी ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए, थोड़ा रिस्की मतलब क्योंकि हम यहाँ पे ही ट्रेड ले रहे हैं, सेफ या इसके नीचे लेंगे, रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्राई इन वन और टू लॉट्स, 52,500 का पुट ऑप्शन, बाय अबाउ 325, बाय अबाउ 325, 325 के ऊपर बाय करो, वेट करो उसको, अभी तक हुआ नहीं, अभी 320 चल रहा है, 325 के ऊपर बाय करो, 360, 400 एंड 470 टारगेट रहेंगे, एंड यहाँ पे 290 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओनली रिस्की ट्रेडर्स के लिए, ट्राई विथ वन और टू लॉट अबाउट 325, 52,500 पी। डिस्क्लेमर आप एक बार देख लो, सारे जो भी कुछ है वो एजुकेशनल पर्पज है, नॉट द ट्रेडिंग टिप्स, तो आप एक बार डिस्क्लेमर देख लो, नॉलेज ओरिएंटेड हम लोग देखेंगे। ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए, सेफ कहाँ पे लेंगे, इसको आने दो नीचे, आके ऊपर रिटेस्ट करेंगे, फिर से ब्रेक करेगा ना यहाँ पे जरूर फूट लेंगे, जो मुझे डाउन साइड में 300 से 500 पॉइंट इजीली दे सकता है। ये मेरा था लेवल कि इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए था 15 मिनट का टाइम, जो हुआ नहीं, 15 मिनट देखोगे तो वो नीचे ही क्लोज होगा। नाउ मेरे लिए इसके नीचे हम लोग एक बार इंडिगो देखो, एक बार स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया जस्ट, सर इंडिगो देखो, मैंने स्कैनर में नहीं आया बट परफेक्ट रिवर्सल लिया है यहाँ से, डॉट आने के बाद ही देख सकते, नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, जस्ट क्लोज होने दो उसको 4280 के ऊपर, देन देखेंगे, अदरवाइज कोई चाहिए तो रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे पुट भी ले सकते हैं, अगर ये टेन स्टार जाता है तो। डेटा देख लो मैं क्या बोल रहा है, निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी भी बेरिश है, तो मेरा पुट साइड ट्रेड बराबर है, ये सिग्नल भी शॉर्ट में आ गया, तो 52,500 ले सकते हैं आप, क्यों पुट लिए ले रहे हैं हम लोग पता चल गया। ज्यादा क्वांटिटी में मत लो, यू कैन ट्राई विथ वन टू टू लॉट्स, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 300 का, या 290 का, 290 का लगा सकते हो। एस्ट्रल लिमिटेड देख रहा, तो ओपन और लो सेम है, उस दिन आया था रडार में, इधर आज रिजेक्शन, ये ट्रेंड अलग जाता है तो इधर तक देख, थोड़ा रिस्की होगा। एस्ट्रल भी देख सकते हैं क्योंकि इसका ओपन और लो सेम है, और इसने ये मेरे
सेटअप के हिसाब से इसको ब्रेकआउट कर दिया। अभी ये अगर जाता है तो ये इजीली टच हो सकता है। एस्ट्रल का 2400 का कॉल ऑफ बाय अबाउट 9400 का टारगेट, 110 का एंड 125 का, 89 का स्टॉप लॉस। अभी कुछ 88 चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस इज 88। एस्ट्रल का 2400 का कॉल ऑप्शन बाय अबाउट 94 ले सकते हैं। तो एस्ट्रल देख सकते हैं 2400 का कॉल ऑप्शन अबाउट 9400 का टारगेट, 89 का स्टॉप लॉस। 100 के ऊपर तो ब्लास्ट हो जाएगा, 100 मतलब ये इसके ऊपर भी चला जाएगा। डेटा बेरिश ही है, डेटा बेरिश और प्राइस नियर टू ब्रेक डाउन है। इसके नीचे भी शॉर्ट भी दिया है तो ये इधर तक आ सकते हैं। कल का लो टेस्ट कर, स्टार्टिंग में पुट बन जा रहा था यहाँ पे ले सकते हैं, एट दैट टाइम बिजी विद। और आप देखोगे ना बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी। मैं डाउनफॉल में देखो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है और निफ्टी हार्डली 10 पॉइंट डाउन। निफ्टी ने आज नया हाई भी बना। तो ये प्राइस एक्शन का कमाल है। प्राइस एक्शन को आप जितना ज्यादा फोकस करोगे, प्राइस एक्शन में जितना डूब जाओगे ना उतना करो। ट्राई टू ट्रेड विद लेस इंडिकेटर। ये तो जस्ट ब्रह्मास्त्र अभी मैंने ऐड किया लेवल के लिए, बट ट्राई टू सी द प्लेइंग चार्ट। प्लेइंग चार्ट में आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पुट अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ, बने रहो। पुट को चाहिए तो आप 330 के ऊपर ले सकते, 330 भी चले एंड 300 का स्टॉप लॉस लगा, 52,500 का पुट एट द मनी बोलो या छोटा सा इन द मनी बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर अभी जाता है तो ये इधर तक टेस्ट करने आ सकता है। लेट्स सी, प्रॉब्लम है कि छोटा स्टॉप लॉस वर्क नहीं करता। अगर 325 में एंट्री लिया तो 350 दिया उसने। ओहो, कड़क कड़क, इसको बोलते हैं परफेक्ट एनालिसिस। जो हमने बोला कि वहां से जाएगा तो खत्म, 400 गया डायरेक्टली, 390 फर्स्ट टारगेट अचीव, डायरेक्टली 60 पॉइंट दिया उसके भी नीचे। शेयर द स्क्रीनशॉट और लिखो आपने लाइव मार्केट में बुक किया है 395। यही था एनालिसिस, ये इधर तक आएगा जो हमने यहाँ पे देखा, ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक डाउन हो गई। तो इसे प्लेन चार्ट जितना आप देखना सीख जाओगे ना तो दैट बी कवर इन द प्राइस एक्शन। जस्ट प्राइस एक्शन भी सीख जाओगे तो भी आपकी लाइफ सेट हो जाती है। ये यहाँ तक आना है अभी, 380 को बुक किया मुझे, गुड। 420 नियर टू माई सेकेंड टारगेट, क्या बोला था इधर तक आएगा। बैंक निफ्टी सुनता है अपने थोड़ी बहुत, 430 का अपना सेकेंड टारगेट है, वो वहां तक आएगा डॉट। और उसने टारगेट दे दिया 440, ये देखो गया 500 एंड ऑल टारगेट हिट डॉट। अपने डॉट टू डॉट टारगेट बुक कर लो, डन। बैंक निफ्टी फर्स्ट ट्रेड डन। जस्ट प्राइस एक्शन, वॉय डेटा एनालिसिस एंड मेनली प्राइस एक्शन, कि जो हमने देखा कि भाई ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ से आएगा तो वो आ गया डॉट यहाँ। ये यहाँ से भेजो स्क्रीनशॉट, भेजो और लिखो वहां पे कि आपने लाइव मार्केट में किया है करके। देखो अपने यहाँ से डॉट वहां से रिजेक्शन होके गया है और डॉट वहां पे आके रुका। इसके नीचे जाएगा तो और फॉल आएगा। आया नहीं है, आया है। अब दिस इज माय एमएमएस सेटअप। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया ना तो आई विल टेक द एंट्री। बुलिश पियर्सिंग टाइप में है चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ इधर, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है 5 मिनट का, देन आई विल टेक द कॉल एज पर माय एमएमएस सेटअप। तो जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया है एमएमएस सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बन सकती है, करो। लेकिन यस देखेंगे अभी, या एक्चुअल नाउ ट्रिगर 93-94 के ऊपर ट्रिगर एक्चुअल। दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न कि भाई स्टॉक ऑप्शन मुझे करना है, स्टॉक ऑप्शन में मेरा करियर करना है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर करना है, तो जस्ट यूज द ब्रह्मास्त्र, दैट्स इट। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है पहले प्राइस एक्शन सीख लो फिर ऑप्शन सीख लो, ज्वाइन द प्रो बैच। उससे आपको बहुत कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग बैकअप मिलेगा। हाँ भाई कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप समझ सकते हो। तो अगर आपके पास नॉलेज है ना पावर को, तो आपके पास डिपेंड होने की जरूरत नहीं कि भाई मैं कॉल दू फिर आप करो, आप खुद ही ट्रेड कर सकते हो ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या लाइव सेशंस आर गुड, बट आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कितने हैं, ओनली 45 आते भी नहीं है, 100 भी नहीं आते। और कई कई लोग बकवास लाइव सेशन होते हैं वहां पे हजारों, मैंने कल ही लाइव सेशन देखा था कुछ 15,000 लोग थे लाइव में। मैंने खुद ऐसे पर्सनली अटेंड किया, क्या सीखा, कुछ नहीं, जस्ट ऐसी बकवास बातें इधर उधर की, कुछ ट्रेड लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ चलते। आई डोंट इंटरेस्टेड दैट टाइप ऑफ लाइव सेशन। लाइव सेशन ऑलवेज इट्स अ इंटरेक्शन। देखो यहाँ एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखी है, यही क्यों लक्ष्मण रेखा, यही क्यों रिजेक्शन पॉइंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा प्रो बैच में। प्रो बैच के स्टूडेंट्स मेरे आइडेंटिफाई करते हैं भाई कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं आना चाहिए, वो सब। स्टॉक ऑप्शन में ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, हम लोग बैंक निफ्टी के पास से आते हैं तो पूरे टाइम हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप में। तो मेरे एक ट्रेड तो दे दिया ना मैंने 52,300 का अबाउट 380, अभी 280 चल रहा है टाइम। अगर इसमें देखो ना 100 पॉइंट का मूवमेंट खा गया मैंने। अरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट सीख लो आप,
जनरली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस TSL आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 94 पे बाय किया है, मेरा 90 का स्टॉप लॉस है, 98 चला गया, तो आपको TSL मतलब अभी ये स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आना चाहिए 93 94 के आगे। यू डोंट वांट टू वेट फॉर द 90, मतलब ये अगर इसके आगे प्राइस चला गया तो यू टू जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस, नथिंग टू लूज। मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो बड़ा प्रॉफिट जाएगा, नहीं आएगा तो मैं एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन कर लूँ। अभी भी 90 चल रहा है, यू कैन एग्जिट, अदरवाइज आपका 94 पे स्टॉप लॉस जाना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। प्रो बैच के स्टूडेंट ने कोफोर्ज बोला है, कोफोर्ज को देखो, कोफोर्ज ये सब भी जस्ट ब्रेकआउट देने के लिए आ गया, ब्रेकआउट दिया है इसने अभी, तो देखो ये मेरे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, सर ये देखो वो देखो, अगर अभी ये इसका हाई अगर जाता है, ये हाई है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कि भाई ये यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक हिट करने आ सकता है, नहीं भी टारगेट चलते हैं तो 30 40 पॉइंट मिल सकते हैं, ऑप्शन में 1 20 पॉइंट मिल सकते हैं, जिनको लेना तो ले सकते हैं, जिनको ब्रह्मास्त्र पता है तो ले सकते हैं। अभी वही स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर अभी निकला है तो आप देख लो, तो 5 मिनट में जाऊंगा तो ठीक है, हाँ इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ देखेंगे, अदरवाइज नहीं छोड़ दूंगा। तो निफ्टी रिवर्सल आ गया है MMS सेटअप के, देखो मेरी एंट्री चली गई बात करते करते, MMS सेटअप में वो 130 में था, 24,100 का कॉल ऑप्शन इधर लेना चाहिए, वो साला 150 हो गया। पावर ऑफ MMS सेटअप, जो प्रो बैच के स्टूडेंट्स उनको पता चल जाएगा यहाँ पे क्यों एंट्री लेना, दिस इज MMS सेटअप। ऑर्डर फ्लो में भी देखोगे, ऑर्डर फ्लो भी देखता हूँ मैं ऑर्डर फ्लो भी चालू कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक बड़े स्क्रीन पे मेरा ऑर्डर फ्लो लगाया हुआ दिख रहा है, ऑर्डर फ्लो, दिस इज ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में ये कल ही ये ऑर्डर फ्लो का है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में भी आप देख सकते हो, तो कल का एक यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे वहां से रिवर्स गया, लाइक रिवर्सल जोन था, यहाँ पे आया और चला गया, वही MMS ने भी कैच किया, तो ये ऑर्डर फ्लो में देखने की जरूरत नहीं थी, तो भी मैं देख रहा हूँ उसको भी, सीख रहा हूँ उसका ऑर्डर फ्लो दिखा सबको। तो कुछ दिनों में मैं भी आपको सिखाऊंगा, लाइन में हम लोग जाएंगे, मैं भी उसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंबाइनिंग विद प्राइस एक्शन OI डेटा और ऑर्डर फ्लो को कैसे कंबाइन कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, जहाँ पे हम लोग को रिवर्सल ट्रेड काफी अच्छे मिल सके, मैं बताऊंगा आपको, तो बने रहे लाइव में, तो लाइव में बहुत कुछ आने वाला है। किसी ने मुझे पूछा सर प्रो बैच का बताओगे, प्रो बैच का भी कैसे मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, प्रो बैच के लिए भी 1-to-1 सेशन होते हैं, बैच वाइज नहीं होते, क्योंकि मैंने पहले देखा कि भाई बैच वाइज कर रहा तो वो, क्योंकि प्रो ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला तो एक साइकोलॉजी होता है, फिर आपकी मनी मैनेजमेंट होता है, फिर आपका एज होता है, आपका नेचर कैसे है, आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, कमोडिटी ट्रेडर बनने वाले हो, स्विंग ट्रेडर बनने वाले, तो वो इसके लिए फिर मैंने 1-to-1 सेशंस किए। जनरली 3 मंथ्स का कोर्स होता है एंड टोटल फीस 35,000 होती है, एंड वन टाइम पे करोगे तो 30,000। आज एक मॉर्निंग में अपना एडमिशन हुआ है, तो दे आर ऑल आर हैप्पी कि भाई सिंक्रोनाइजेशन में होता है सब कुछ। तो भी आपको अगर मोर डिटेल चाहिए तो जस्ट व्हाट्सअप ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर 9820490039। ये अभी ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, बट अभी ये रिस्की होगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, बट अभी वो रिस्की होगा ट्रेड। ACC फिर से एक रिवर्सल आ रहा है, ACC आप देखोगे वो जोन के बाहर निकल रहा है, ACC बड़ा बॉक्स में उतना मोमेंटम नहीं है, ये देखो ये जोन में निकल रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ इसको रखूं इसके ऊपर, तो 2800 का कॉल ऑप्शन देखो, 2800 का कॉल ऑप्शन बाय अबाउ 112, तो 2800 का कॉल ऑप्शन अबाउ 111 ले सकते हो, 115 117 तक जाएगा, 130 तक और फिर 145, ऐसे 3 टारगेट, और चलिए तो इधर 105 का स्टॉप लॉस लगा दो, 102 103 चल रहा है, तो 112 का ऑर्डर लगा दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर 111 के ऊपर लेना है, 112 का ऑर्डर लगा दो और रिलैक्स हो जाओ। यस ACC गया, ACC गया, हाई स्विंग आ गया अपना, प्रो बैच को समझा क्या किया मैंने एग्जैक्टली, यहाँ पे ये अपना एंट्री था, ACC 120 फर्स्ट टारगेट अचीव, कड़क, दैट्स कॉल्ड दैट एनालिसिस परफेक्ट, बिफोर ब्रेकआउट के पहले बोला कि ये बाय हो सकता है, क्योंकि ये वीकली का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करने वाला है, एंड दैट जैसे बोला वैसे हो गया। आई होप यू आर हैप्पी विथ माई एनालिसिस एंड ऑल। 120 300 का लॉट्स ब्लास्ट बाय यूजिंग ब्रह्मास्त्र, डन डन एंड डन, ये गेम ओवर हो चुका है, ACC 135 हाँ ऑलमोस्ट ब्लास्ट सेकंड टारगेट है। तो जो लोग को ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो मेरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, ये सब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते, कौन सा स्टॉक भागेगा, कहाँ से भागना है, कहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। आज यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पे थी और ये स्टॉप लॉस था और ये मस्त में 1:2 देके गया, डन 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 डन। यस यस, थैंक यू थैंक यू।